हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज पहला दिन था और आज जो है मैथमेटिक्स यानी गणित का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलन कर लीजिएगा, आपने 50 में जो है कितना सही किए हैं और नीचे कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड डी है, तो अगर पास कोई दूसरा भी सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी सेट है इस लेकर ये तक जितना भी सेट है सबका क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलन कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मैं जो है सभी 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके लाया हूँ, तो बिल्कुल जो आपको मैं 100% सही उत्तर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया था, दो रैखिक समीकरण के लेखाकृत यदि संपाति रेखा होती है तो उनके जो है कितने हल होते हैं, यानी बोला गया कि कोई एक रेखा है तो उनका कितना हल होता है, तो इनका हल होता है अनगिनत हल। ये होता है बहुत सारा हल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अनगिनत, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको समीकरण दिया गया है, बोला गया कि इनका जो है आलेख किस प्रकार की होगी। तो इसको देखिए गौर से, ये हो रहा है a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2, यानी इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल जो है एक हल होगा, यानी रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, x माइनस बराबर 0 का आलेख जो है कैसा होगा। इसका आलेख जो बनाएगा तो x और y का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि दो जो माइनस जो है इसका 0 है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, न ही x का समांतर होगा और न ही जो है y का समांतर होगा और न ही जाएगा मूल बिंदु से। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखा उसे कहते हैं जो होता है x² + bx + c के फॉर्म होता है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन नंबर तीन जो है सॉरी बी जो है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं इसका, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या हो। यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू अगर -3 फुट खींचिएगा तो आपका जो है यहाँ पर p का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, तो p का मान आ जाएगा आपको 5। तो अगर जो 5 मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए जो है द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। तो किसी का मूल वास्तविक और समान तब होता है जब यह परफेक्ट स्क्वायर बने, जब यह जो है परफेक्ट वर्ग बनेगा। तो वर्ग यह तब बनेगा जब यहाँ पर जो है के का वैल्यू, जब यहाँ पर जो है के का मान +-4 होगा। तो +-4 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि x² + 3px + 2px = 0 के मूल अल्फा बीटा है तो α² + β² = 5 दिया है, तो पी का मान क्या होगा। तो पी का मान आ जाएगा +-1। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण a² px² x² - q² = 0 है तो इसका मूल क्या होगा। तो इसका मूल हो जाएगा +-q/ap। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल का योग और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका आपको जो है ये हो जाएगा आपको 1550 सॉल्व कीजिएगा 1550 को, तो ये हो जाएगा आपको 3/5। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है 9 नंबर का। तो अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया है इसका मूल जो है -5 और -1 है, तो कौन सा द्विघात समीकरण जो होगा। तो चेक कर लीजिए, आपको जो है -5 और -6 हो रहा, आपका इसका योग जो है -6 हो रहा है और इसका गुणनफल जो है वो 5 हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या जो आपको दिया गया है तो बोल रहा है कि दो चक्कर में जो है कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका सीधा है, इसका परम आपको जो है 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2 × 2 × 22/7 × 35/44। वो काटिए फटाफट, तो हो जाएगा 22 × 44 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 5 × 2 = 10। यानी अगर 10 मारे हैं, इनका भी आंसर इसका 10 आया है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाली वृत्त में AOB θ है तो AB चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई होती है θ/360° × 2πr। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा πr θ/180°, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को जो है 1 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 8 × 8/1 × 1 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 8³ यानी 512। तो 512 मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक शंकु का आपको आधार का व्यास दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, इसका आयतन हो रहा है, तो इसका आयतन होता है 1/3πr²h। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया गया है, आर हो जाएगा 5, 5 × 5 और एच हो जाएगा 12। इसको भाग दीजिए 3 से, तो कटेगा 3 × 12, 2500 × 1 हो जाएगा आपका 100 पाए मारे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसको इसकी लंबाई दिया गया है, जिसका धातु का आयतन क्या होगा। यानी खोखला टाइप का धातु है, जिसका होता है इसका आयतन क्या होता है बेलन का, इस प्रकार से पाइप है तो ये होगा बेलनाकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई एच कॉमन हो जाएगा, और खोखला है तो आर बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है, लंबाई 10 मीटर है तो 10 हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 - 9 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7, तो 7 कट जाएगा हो जाएगा 220, 22/10 है 220, यानी ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 220, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक शंकु और एक बेलन के आधार की क्षेत्रफल जो है वो समान है और उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है और इसकी ऊंचाई जो है आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका तिरेक ऊंचाई क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2 / L निकल जाएगा, सॉरी 2S बराबर, यहाँ पर जो है कट कुट के जो है आपको 2S = L निकल जाएगा, तो जहाँ से आपको एच का वैल्यू इसको 2 पुट कीजिएगा तो आपको L 4 आ जाएगा, L आपका जो है 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 4, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन आपको दिया गया है, इसका किनारा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा। अगर आयतन कुछ भी दिया हो, अगर किसी घन में जो है, हमेशा घन में जो है किनारा और उसका विकर्ण का अनुपात जो है वो 1/√3 का होता है, तो ये आपका जो है 1/√3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, उसका व्यास क्या होगा। तो क्या होता है अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ होता है 3π r² बराबर दिया है 462, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो r का मान आपको जो है 7 आ जाएगा और अपन बैठा गया व्यास पूछा है तो व्यास हो जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 14 cm, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात आपको दिया गया है, उसका ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, बोला गया आयतन का अनुपात क्या होगा। तो कि दोनों का आयतन में पाई होता है तो पाई दोनों कट जाएगा, ये डिपेंड करेगा r² × h पर, तो r एक का कितना है 2 है, तो r² 2 × 2 और h कितना है तो उसका हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा इसका r 3 × 3 हो जाएगा, h कितना है 3 है, तो ये कोई कटता नहीं हो जाएगा, वह 2 × 2 = 4, 5 = 20 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 27, ये जगह 20/27 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या त्रिगुणी कर दिया, उसका आयतन क्या होगा। अगर गोले की त्रिज्या जो है त्रिगुणा कर देंगे तो इसका जो आयतन होगा, इसका आर क्यू होता है, इसका क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 × ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि √81/2 जो है क्या होगा, ये हो जाएगा 9/2 जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 192 की अभाज्य विघटनखंड में जो है 2 का घातांक कितना है, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 32 और इसी का हो जाएगा, सही हो जाएगा 64 और हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 6, तो बिल्कुल सही उत्तर है, 6 मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम में आपको दिया गया कि a = pq + r है, यहाँ पर a का मान, q का मान और r का मान दिया गया है, तो बोला गया कि b का जो है क्या मान होगा। सब वैल्यू काफ़ी ईजी है, सब वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो आपको a का मान जो है 9 निकला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ये मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसका दशम प्रसाद जो है संत होता है, तो संत उसी का होता है अगर किसी का हर का जो है 2n और 5 के फॉर्म में है तो वो आपका जो है संत होता है, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है जो इनकी में से कौन धनात्मक विषम नहीं है, अगर पी किसी भी एक पूर्णांक है, देखिए पी क्यू जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इनमें बोला कौन जो है एक विषम पूर्णांक नहीं है, इनमें कौन जो है एक सम है, सिंपल दिख रहा है 8q + 4 जो इनमें q का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए धनात्मक में, इसका वैल्यू हमेशा आपको जो है हमेशा जो है विषम नहीं यानी सम होगा, तो ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2 लगातार सम संख्या इसका हमेशा मौसम जो है वो होता है 2, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है किसी होती है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा, ये हमेशा जो है अपरिमेय होगा, जैसे 2 + √3 है हमेशा अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2 संख्या का जो है गुणनफल दिया गया है, आपको HCF दिया गया, LCM पूछ रहा है, क्या होता है किसी भी 2 संख्या का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसे इसमें भाग दे दीजिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 510, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 510, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो जिसका अंदर निकल का जो प्रॉपर आ जाएगा तो ये जाएगा आपको √72, पूरा प्रॉपर निकलता है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 50, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 और इसका निकल कर 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, √34 + 36। तो अगला प्रश्न है, आपको इस प्रश्न दिया गया कि 15 × 8 + 10 है, 15 × 15 × 3 + 0 है, इसका जो है लॉस, सॉरी इसका मोसो कितना होगा, इसका जो है HCF कितना होगा, तो इसका ऐसा कितना हो जाएगा, ये गोर से यहाँ पर
दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया गया है, बहुत यहाँ पर 15 मार दिया गया जो गलती है, बहुत बच्चा यहाँ पर 15 मार दिया गया गलत है। इसका जो एमओसा होगा वो 5 होगा। इसका जो दोनों में जो क्या कॉमन है, देखिए गौर से, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सिर्फ जो है 5 कॉमन है हाईएस्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको बिंदु दिया गया है 15.8 से जो है दूरी क्या होगी ऑरिजिन यानी मूल बिंदु का, तो होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 17। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 17, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि सरल रेखा का आलेख जो है किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी इसमें कौन सा वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए काफ़ी ईजी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 और 7। आप एक्स का वैल्यू 5 पुट कीजिए, हो जाएगा 10 - 3 यानी 7, वह 7 है तो बराबर है, तो यानी डी जो है वेरीफाई कर रहा है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपको जो है 100% सही उत्तर साथ जो है बता रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर जो है बिंदु -2, 0 और 6, 0 के समदूरस्थ हो गई, तो सिंपल है इसका जो बीच में होगा वो समदूरस्थ होगा, तो इसका बीच में क्या हो जाएगा, तो 2 - -2 + 6/2 तो हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाय अक्ष से जो है बिंदु 13-15 की दूरी क्या होगी, तो 13-15 की दूरी क्या होगी बीच से, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको जो है निकल कर आ जाएगा 13, सॉरी ये बोल रहा है कि एस अक्ष की दूरी यानी वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई से दूरी क्या होगा, तो हम जो एक्स अक्ष का दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक आपको दिया गया है, तो बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र के जो है क्या होगा, सिंपल है आपका दो दो सिरा है, व्यास का दोनों का दिया गया है, आपको बोल रहा है केंद्र, इसको होता है बीच वाला, तो इसको आप निकाल दीजिए बीच, क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है x1 + x2/2 और दूसरा होता है 1 + 2/2, तो इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको निकल आ जाएगा -2 और -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है 35 का, तो ऑप्शन नंबर 35 का सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आपको दिया गया है, तो इसे केंद्रक क्या होगा, ये होता है x1 + x2 + x3/3 होता है, इसी प्रकार से वह का भी होता है, तो ये आपको निकल आ जाएगा 2 और 4 6, 6/3 यानी 2, एक्स तो 2 हो गया और वह कितना होगा 6 4 10, 10 में से गया तो 9, 9/3 यानी 3, तो 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बिंदु 13-19 से जो है एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो सॉल्व सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, लंब की लंबाई पूछा गया है, तो 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 19, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिंदु इतना एवं इतना की रेखाखंड की जो है मध्य बिंदु किस में है, तो इसका अगर निकालिएगा मध्य बिंदु, तो यह आपको निकल जाएगा -4 और +4 यानी -+, तो जाता है सेकेंड में, द्वितीय में, ऑप्शन बी मारे हैं द्वितीय, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, आपको पी क्यू और आर का दिया गया है, पूछा गया इनके शीर्ष हैं, तो पी क्यू आर का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, इसका उत्तर नीचे कमेंट कीजिए, इसका उत्तर जो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको दिया गया है, पूछा इसका परिमिति क्या होगी, तो इसका परिमाप हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा, ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक दिया गया अनुवृत्त का त्रिज्या जो है 3R है, इसका परिमाप क्या होगा, तो क्या होता है इसका परिमाप, तो परिमाप होता है अनुवृत्त का πr + 2R, तो जाएगा πr + 2R, तो यहाँ पर हो जाएगा πr तो हो जाएगा और 2R क्या हो जाएगा, इसका जगह दोनों ये हो जाएगा 6R, तो ये जाएगा πr + 6R, क्योंकि कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा, कोई भी सभी ऑप्शन जो है इसका सभी जो ऑप्शन दिख रहा है वो गलत है, इसका सभी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये इसका होगा सही उत्तर πr + 6R। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी घटना की जो है प्रायिकता नहीं होती है, तो आप जानते हैं कि प्रायिकता की जो घटना होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है या फिर 0-1 होती है, तो 2.5 जो कि 1 से बड़ा है तो 2.5 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता ई की पूरक घटना और ई डॉट की है तो कौन सही है, तो पी ई बराबर पी क्या हो जाएगा, पी ई प्लस पी ई डॉट बराबर हो जाएगा 1, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, किसी घटना के होने और नहीं होने की जो योग होती है वो 1 होता है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि एक पासे की जो है एक पासे को फेंका जाता है उसमें 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 नहीं आने 2 1 है और कुल 6 होता है तो 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि एक
अच्छी तरह से फटी गई 52 ताश की एक गड्ढी में से एक कार्ड को निकाला जाता है, तो ब्लैक कलर का जो है बादशाह कितना होगा, तो ये 2 हो सकता है और कुल होता है 52, तो ये हो जाएगा आपका 1/26। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको लिस्ट दिया गया है इस प्रकार से, इसका मध्य का 25 है तो एस का मान कितना होगा, सॉल्व कीजिएगा, इस मान आपको हो जाएगा 35। ऑप्शन ए मारे हैं 35, तो बिल्कुल सही उत्तर है 35। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि संचयी पारंपरता सारणी में जो है किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, तो होता है माध्य के निर्धारण में। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध सत्य है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है बहुलक बराबर, ये होता है फॉर्मूला बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। क्या होता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, क्योंकि किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको यह इनमें से कौन सा वर्ग जो बहुलक वर्ग है, तो देखिए बहुलक कौन है इसमें 45 है, और ये कौन सा है, तो यह है 20 से 30, यानी ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 20 से 30, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 4x+5 और 5x-5x+2 के माध्य 18 है, तो एक्स का मान कितना होगा, माध्य यानी इसका एवरेज दिया गया है, इस सबको जोड़ करके जो है जितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म 4 से भाग दे दीजिए और उसको बराबर 18 कर दीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा काट उठ के, तो ये आपको निकल कर जो है ये निकल कर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको पीएस बराबर दिया गया है और दिया गया इसे इसमें भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा, तो हाइएस्ट घात वहाँ पर 3 है और यहाँ से 2 से भाग होगा तो वो घट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो 1 मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, यदि बहुपद इतना का जो है g-1 है तो इसका मान क्या होगा, काफ़ी जी है यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है आप 1 पुट कीजिए, तो ये निकल कर आपको आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि x²-16 के शून्यक क्या है, तो इसके शून्यक है +-4। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि बहुपद इतना दिया गया है इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 4α+β क्या होगा, यानी इसका शून्यक का चौगुना कर दीजिए, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3 और 3×4 = 12। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक का आपको गुणनफल दिया गया है, तो आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे क्या गुणनफल होता है, ये होता है c/2a/a, यानी 2a हो जाएगा, 2a का मान आपको 8 दिया गया है, यहाँ से a का मान 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि px का एक शून्य का -1 है, तो px का गुणनखंड क्या होगा, तो हो जाएगा x+1, इसको 0 कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस द्विघात बहुपद का योग जो है -3 और शून्य का गुणनफल जो है 2 है, यानी α+β 3 और α×β जो है 2 को किसको वेरीफाई कर रहा है, तो देखिए गौर से, ये वेरीफाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, x²+3x+2। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि α β γ त्रिघात बहुपद इतना के शून्य का है, तो α β γ का जो है मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा c/a। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है, इसका घात क्या होगा, हाइएस्ट घात गुना है, तो ये हाइएस्ट में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो आपका 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 7, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि इतना दिया गया है कि इनमें से कौन जो है एक्स वाई का मान क्या होगा, आपको 2 इक्वेशन दिया गया है, कौन जो है एक्स और वाई का मान होगा, काफ़ी इजी है, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, x = 4 और y = 0 जो है ये इसको वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1 - sin 4θ बराबर क्या होगा, तो काफ़ी इजी है, आपको ये इस फॉर्म में दिया गया है कि a²-b², यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और यहाँ पर sin² का स्क्वायर है, तो क्या होता है a²-b², ये होता है a+b × a-b, ये हो जाएगा 1 - sin² × ये हो जाएगा आपका 1 + sin². तो क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं cos²a θ, और ये हो जाएगा आपका 1 + sin²θ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर इसका ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको इस प्रकार से आपको त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, इस प्रकार से आपको जो है आपको एक्स वाई बिंदु है जहाँ पर एक्स वाई जो है ABC के समांतर है, आपको एक्स वाई और एक्स वी का जो है इक्वेशन आपको 2 अनुपात दिया गया है, आपको जो है एक्स वाई और वाई सी का आपको पूछा है, आप पूछा था थ्रेसफॉर्म में, आपको जो है पूछा गया ज्योमेट्री में थ्रेसफॉर्म से, तो इसको अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
आपको दिया गया दोस्तों रूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, उसके संगत मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो यह आ जाएगा रूट में, यह आपका जो यह क्षेत्रफल है या यह जगह रूट में, यह जगह आपका 11:8। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप आपको दिया गया है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरी त्रिभुज की जो है संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो भुजा का अनुपात होगा इसके क्षेत्रफल के रूट अंदर के अनुपात के बराबर होगा। सॉरी परिमाप है तो सेम हो जाएगा, परिमाप है सेम हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3/2 बराबर हो जाएगा 18/x। तो काट दीजिए, ये कट जाएगा 3 से 6 बार में, तो यह हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं जो सर का, ऑप्शन नंबर जो सर का डी मारे हैं 12, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसके भुजा क्या है। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36√3 जो बराबर दिया गया है। इस पर काट दीजिए, यहाँ पर √3 से √3 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 × 4। तो ये कितना होता है, तो ये जो ये होता है 144 हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 12, तो बिल्कुल से उत्तर है, इसकी भुजा जो है 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है दो प्रतिच्छेदी, दिया गया है कि दो प्रतिच्छेदी त्रिभुज है वृत्त है तो उस पर कितना जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा स्पर्शरेखा जो दोनों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक दो है, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो इसका दो केवल दो ही होगा। तो जिन्होंने दो मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और पी से जो है स्पर्श रेखा खींची गई है, पी से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो पूछा गया कि ओपी यानी ये ओपी की लंबाई कितनी होगी। तो ये आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त त्रिज्या है। तो ये आपका दिया गया है कि ये 24 सेंटीमीटर है और ये जो है 7 है, ये हो जाएगा आपका 25। तो जिन्होंने सी मारे हैं 25 सेंटीमीटर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको जो है साइंस का, आपको जो है साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो 17 सेंटीमीटर है, P से उसी वृत्त पर खींची गई उस रेखा की स्पर्श रेखा क्या होगा। आपको जो है एक स्पर्श रेखा दिया गया है और पूछा गया कि उसी बिंदु से जो है सेकंड जो रेखा खींचा गया है उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि दोनों जो इक्वल होता है, दोनों रेखा जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा वो इक्वल होता है, तो पहला 17 है दूसरा भी 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल जो है 14 है, तो इसका दीर्घ क्या होगा। तो त्रिज्या का 7 है तो इसका एरिया जो है वो होगा 144, ये होगा पूरा, लेकिन इसमें एक खंड दिया गया है 14, तो सेकंड क्या होगा, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 140 वर्ग सेमी। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, इसका व्यास पूछ रहा है, सिंपल है 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारे 70 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट इसका दिया गया है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, यानी बी क्या होगा। तो ये होता है b² - 4ac। तो क्या हो जाएगा b² - 4, यानी 71 का आपका जो है ये हो जाएगा आपका ए नंबर 16 - 4b। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया इस प्रकार से, इसमें कौन जो है समांतर श्रेणी है, तो कौन होता है इसका क्या फॉर्म होता है। ये होता है कि a² - a1 बराबर अगर a³ - a2 हो जाएगा, तो ये अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आप मान लें कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये काफ़ी है, यहाँ पर जो है माइनस माइनस चार करके जो घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 72 का, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी में इस प्रकार से दिया गया है, इसका जो समांतर क्या होगा, यहाँ पर √18 है, √50 है √98 है, ये क्या हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3√2 18 को, और फिर दिया गया कि √50, तो क्या होगा √50 का, तो ये आपको हो जाएगा 5√2। तो कितना दोनों का अंतर है, तो इस दोनों का अंतर जो है वो हो जाएगा 2√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2√2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो ये होगा a + n - 1d। यहाँ पर आपको ए 2 दिया गया है, n आपका 11 बोल रहा है, 11 - 1 = 10 हो जाएगा, और d कितना है, तो d 3 है, हो जाएगा 10 + 30 = 32। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32। तो अगला प्रश्न है, किसी सार्वश्रेणी समांतर श्रेणी का जो है nवां पद इतना दिया गया है, तो उसका श्रेणी का जो है 7वां पद क्या होगा। यहाँ पर n का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, तो 8 * 56 - 2, ये हो जाएगा आपका 54। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 54। तो अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में जो आपको a30 और a20 का जो अंतर आपको 50 दिया गया है, इसका पूछ रहा है कि इसका सार्वांतर यानी डी क्या होगा। यहाँ देखिए 10 टर्म, यहाँ पर जो 30 में से 20 गया, तो हो जाएगा 10 टर्म, यानी 10 टर्म का जो है 10 टर्म का वैल्यू आपको जो है
50 दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो इसका मतलब है यहाँ पर जो इसका डी कितना होगा, तो डी में जो है 5 का गैप है, तो 5 इसका जो है सही उत्तर है। यहाँ पर जो डी में जो है 5 का गैप है, तो 5 इसका जो है 76 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको निश्चित पास दिया गया है, समझ श्रेणी में है, तो इसका 3 क्रमागत है, तो एक्स का मान कितना होगा, ये सब जो है समझ श्रेणी में है, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 17 का बी मारे हैं, सॉरी ये आपको 3 आ जाएगा, ये आपको जो है निकल कर 3 आ जाएगा, तो इसका अगर 3 मारे हैं 77 का ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 और 82 में जो है कितने पदों संख्या है, क्या होता है n बराबर, ये होता है a प्लस n माइनस 1d, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 21, 21 मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी आपको इतना का जो है कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ पर आपको an का वैल्यू आपको 0 दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जो है n का वैल्यू आपको 0 मान लीजिए, 0 बराबर हो जाएगा आपका 72 प्लस n का मान आपको निकालना है, n माइनस 1 d कितना है, तो d आपका 9 है, इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा n बराबर 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद जो है इसका शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिंदु आपको दिया गया कि a cos 0 0 और sin a 0 और sin 0 के बीच की दूरी जो है कितना होगा, तो काफ़ी जी है, इसको निकाल लीजिएगा, यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा सी का, तो ये आपका आ जाएगा a, ये आपका जो है a हो जाएगा, क्योंकि cos और sin माइनस हो जाता है घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको बिंदु दिया गया आर ए बी है और बिंदु पी 0 0 है, क्यू 0 2 होकर रेखाखंड जो है कौन सी सही होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको हो जाएगा ए बराबर जो है 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि सरल रेखा आपको दिया गया है कि एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 3 है, को प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, कौन सा बिंदु इसका जो है प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो काफ़ी जी है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर निकल आ जाएगा 2 और -3, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया, आपको 10 का मान दिया गया है, आपको sin का मान पूछ रहा है, काफ़ी जी है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर पी और पी का मान 15 है और बी 8 है, यहाँ पर एस हो जाएगा, तो एस का यहाँ पर हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 15/17, एक ऑप्शन नंबर सी है, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 15/17। तो अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, काफ़ी ईजी है, ये आपको निकल कर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 34, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको निकल करके 34, ऑप्शन नंबर अगर डी मारे हैं, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर आपको माइनस 2 आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 34। तो नेक्स्ट आपको है sec प्लस 10 का मान, आप प्लस 1 0 दिया गया, sec माइनस 10 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया कि sec का मान आपको दिया गया, आपको cosec प्लस cot का पूछ रहा है, तो यहाँ से आप जो है बी का मान निकाल लीजिएगा, उसमें पुट कर दीजिएगा, तो इसको बनाइएगा, तो इसको ये पोह निकल कर आ गया होगा √3, तो अगर √3 मारे हैं इसका, अगर आप √3 मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो थीटा का जो है मान क्या होगा, तो इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 87°, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 87°, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि sin थीटा बराबर cos थीटा है, थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45°, क्योंकि 45 पर ये दोनों बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि आपको इस प्रकार से दिया गया है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू अगर आप पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा -1, तो -1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1, काफ़ी जी, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1, ये जाएगा 3/2 और ये जगह 1/2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी ये आपको हो जाएगा, हाँ ये आपको निकल कर जो है -3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि a/5 आपको 12° दिया गया है, आपको पूछ रहा है 3 cos² ए क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 60°, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 60°, और ये होता है इसका वैल्यू कितना होता है 60 का, तो ये होता है √2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3×4/3, दोनों कट जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 92 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया इस प्रकार से कि sin 54 का मान, आप sin 54 माइनस cos
या एक्स का मान कितना होगा, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अगर इसको भी एक मान आपका जीरो हो जाएगा, इसका मान जब आपका जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अगर 93 अगर ए मारे हैं जीरो तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो जैसे आपको इस बार दिया गया है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यदि यहाँ सब इंटू में है, यहाँ पर कॉस जो है 90 है, तो इसका वैल्यू पर जीरो होता है, इसको गुना कर देगा सबसे जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं जीरो, तो 94 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 95 में, इस प्रकार से आपको दिया गया है, ये दोनों बराबर है, आपको हो जाएगा 1 + 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 95 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है, ये दोनों हो जाएगा जीरो, ये ऊपर हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 96 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया, इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पर आपको 7 कॉमन लीजिए, आप जो है 7 कॉमन लीजिए, आपको 1 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगर इसका 7 मारे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, यदि साइन 48 दिया गया है पी है, तो 10 अर्थात इसका मान क्या होगा, सिंपल है, साइन का मान आपको दिया, 10 का मान पूछ रहा है, इसको चेंज कर दीजिए, इसका पी बटा वन कर लीजिए, यहाँ से आपको बी निकल जाएगा, और 10 का वैल्यू कर दीजिए, पी बटा बी होता है, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा पी बाय रूट अंदर 1 - p², ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 99, आपको इस प्रकार से दिया गया है, इसका वैल्यू जो है ए है, तो ए का मान जो है कितना होगा, काफ़ी ईजी है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का मान आपको निकल जाएगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगी, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 1 होता है, साइन ए बराबर 1, इसका मतलब ए का मान 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट आपको हो जाएगा, इस प्रकार से दिया गया है, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको निकल जाएगा कॉस थीटा, और ये होता है 1, और ये भी हो जाएगा आपका सेक में, ये होता है सेक, सेक में 1 होता है, 1 बराबर 1, यह आपका हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका जो है निकल कर 1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप जो है मिला लिए होंगे, आपका कितना सही है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।